नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक छोटे से YouTube चैनल सिविल साइट एक्सपर्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि साइट पे कॉलम चेक इन में क्या क्या चेक करते हैं। कॉलम चेक इन में आप उन क्या क्या चीज़ों का ध्यान देते हैं, क्या क्या चीज़ अपने को चेक करना रहता है। तो आप उन चलते हैं साइट पे दोस्तों। अभी साइट पे आ गए हैं दोस्तों, अभी आप उन ड्राइंग लेके दोस्तों हर एक कॉलम का चेक इन करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कॉलम चेक इन में दोस्तों क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आप उन ड्राइंग लेते हैं दोस्तों, ड्राइंग लेने के बाद पूरा अपन कॉलम नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि कॉलम नंबर कौन कौन सा है। फिर आप उन स्टेप बाय स्टेप से आप उन हर एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या क्या चेक करते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कॉलम के चेक इन में क्या क्या चेक करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयस, स्वागत है एक छोटे से यूट्यूब चैनल सिविल साइट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि लाइव कॉलम का चेक इन कैसे करते हैं, आप उन साइट पर कॉलम का चेक इन कैसे करते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने कॉलम, तो मैं किधर भी अगर साइट पे जाऊँ तो हमको कॉलम चेक करने के लिए अगर दिया जाए तो कॉलम में क्या क्या चेक इन करना रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों, साइट पे जाने के बाद आप उन ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग लेने के बाद कॉलम नंबर मेंशन होता है, वो कॉलम पे जा करके आप उन कॉलम नंबर को देखते हैं। कॉलम नंबर देखने के बाद उसमें डिटेल्स देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा स्टील है, कितने का रिंग है, कितने का बाइंडर है क्या नहीं है। तो अपन अभी हम साइट पे आए हैं और इस कॉलम का ड्राइंग में पढ़ चुका हूं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साइट पे जाने के बाद से आप उन कॉलम का साइज चेक करते हैं। तो कॉलम का साइज में क्या होता है दोस्तों कि उसमें ड्राइंग में साइज मेंशन होता है। तो साइट पे जाने के बाद वहां से यहां तक अपन कॉलम का साइज को अपन देखते हैं, अगर साइज उतना फिक्स है तो अपन कॉलम के ड्राइंग में भी उतना फिक्स होना चाहिए, या तो कॉलम के ड्राइंग में उतना साइज है तो साइज पर भी उतना साइज मिलना चाहिए, पहला चीज। उसके बाद से उसमें देखते हैं कि उसके बाद से इस कॉलम में कितने एमएम डाया का स्टील यूज हुआ है। साइड पे जब भी कॉलम चेक करते हैं तो आप उन उसमें देखते हैं कि कितने डाया का स्टील यूज हुआ है और ड्राइंग में कितने डाया का स्टील दिया है। तो जितना डाया का ड्राइंग में स्टील दिया है उतना का साइड पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद से दोस्तों, ये जो अपना लैपिंग है, ये लैप लेंथ बराबर है कि नहीं। अगर आप मान लो ड्राइंग में, अभी यहाँ का ड्राइंग में दिया हुआ है 46 मल्टीप्लाई बाई डाटा, उतना अपन लैप है कि नहीं। तो अपन ड्राइंग अपन साइट पर जाएंगे तो इसका लैप भी चेक कर लेंगे, अगर लैप बराबर है तो अपना सही है। दूसरा चीज, उसके बाद से अपन देखेंगे रिंग सही से लगा है कि नहीं लगा है, रिंग सही से डाला है कि नहीं डाला है, बाइंडिंग किया है कि नहीं किया है, प्रॉपर रिंग उसमें बैठा है कि नहीं बैठा है। तीसरा चीज, अपन साइट पर जाते हैं तभी उस कॉलम में कवर है कि नहीं है। तो अभी देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कवर दिया हुआ है, एक लेयर यहाँ पे कवर है, एक लेयर यहाँ पे कवर है, एक लेयर वहाँ पे कवर है। उसके बाद से दोस्तों, कवर चेक करने के बाद तीसरा चीज़ क्या आता है कि मोहरिया पे कवर दिया है कि नहीं दिया है, ये जो मोहरिया पे कवर है ये दिया है कि नहीं है, तो यहाँ पे मोहरिया पे भी कवर दिया है। चौथा चीज़ क्या होता है दोस्तों, स्पेसिंग बराबर है कि नहीं है इसका, जैसे स्पेसिंग है 300 तो स्पेसिंग है कि नहीं बराबर, तो यहाँ पर स्पेसिंग बराबर है। उसके बाद से बाइंडिंग है कि नहीं है प्रॉपर, बेंडिंग वायर से पूरा रिंग को बांधा है कि नहीं बांधा है। उसके बाद से ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल बार, इसको अपन बाइंडर बोलते हैं दोस्तों। ये जो अभी आपको दिख रहा है इसको अपन बाइंडर बोलते हैं, ये जो अभी है इसको अपन रिंग बोलते हैं, और ये अपना जो वर्टिकल का स्टील है ये अपना एक्चुअल डाया का है कि नहीं है, जो ड्राइंग में दिया है उसी डाया का स्टील यूज होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा कि कॉलम में क्या क्या चेक इन होता है। सबसे पहला चीज़ कॉलम में क्या चेक इन होता है, आप उन कॉलम में सबसे पहले उसका मेजरमेंट चेक करते हैं, जितना ड्राइंग में दिया है उतना है कि नहीं, और दूसरा नंबर जितना डाया का स्टील है उतना डाया का स्टील लगा है कि नहीं लगा है, जितना डाया का रिंग है उतना डाया का रिंग लगा है कि नहीं लगा है, और उसके बाद से उस कॉलम में जो स्टील वर्टिकल स्टील है उसका लैप बराबर है कि नहीं है, लैप लेंथ सही है कि नहीं। अभी मैं अगले वीडियो में जो बताया था कि लैप लेंथ बीच में आना चाहिए, तो देखो दोस्तों, ना बॉटम में लैप है ना टॉप में लैप है, सीधे मिड में लैप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉलम का चेक इन पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे आगे के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।